नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मार्केट में -0.5% की गिरावट दिखी है और ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा मार्केट। और कल 8.5% की तेजी दिखी थी और मैंने आपको बताया था कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कि भाई आपको कल फोमो में आके बाय नहीं करना था, इनफैक्ट सेल ऑन राइज करना था दोस्तों। तो पता नहीं कि आपने सेल ऑन राइज किया कि नहीं किया, लेकिन भाई आज लोगों ने तो अपनी खूब प्रॉफिट बुकिंग करी है। इस सब की पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। फिलहाल मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है डाउ जोन्स, ये है यूएस का इंडेक्स। और जैसा कि मैंने आपको कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था कि भाई आजकल हमारा मार्केट इसके पीछे पीछे चलता है। मैंने आपको बताया था कि जब ये 6 तारीख को भाई 7% ऊपर था, तो कल हमारा मार्केट भी 8.5% ऊपर गया। और ये 7 तारीख को 0.12% गिरावट दिखी है इसमें, तो आज हमारे मार्केट में -0.5% की गिरावट दिखी है। तो इसीलिए दोस्तों, मुझे तो पहले से ही पता था कि आज मार्केट फ्लैट रहेगा। और दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आज मोदी जी ने मीटिंग करी थी सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, और उसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी बातें की गई थी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं थी। और भाई इसमें मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। भाई उन्होंने कहा कि अभी जो फिलहाल कंट्री में सिचुएशन है वो एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। और कल तक हम क्या न्यूज़ पढ़ रहे थे दोस्तों कि भाई सारा लॉकडाउन हटने वाला है, इंडस्ट्री चालू होने वाली हैं, और खुद मोदी जी ने इमरजेंसी बोल दी है। तो आई होप एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो कल फोमो नहीं हुआ होगा और उन्होंने बाइंग नहीं करी होगी, क्योंकि भाई कुछ लोगों को लगा था कि कल मार्केट में रिकवरी हो गई है क्योंकि लॉकडाउन हटने वाला है। और भाई उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ही टफ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं और फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं। और क्या डिस्कस हुआ भाई, और डिस्कस हुआ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, कि खुद स्टेट गवर्नमेंट्स मांग कर रही हैं लॉकडाउन के एक्सटेंशन की। तो जब स्टेट गवर्नमेंट्स मांग करेंगी तो भाई मोदी जी क्यों लॉकडाउन हटाएंगे, एटलीस्ट पूरे देश से एक साथ तो नहीं हटाएंगे। तो अगर आपको कल लगा था कि भाई कल मार्केट में रिकवरी हो गई है, लॉकडाउन हट जाएगा, कंपनीज चालू हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने आपको कल बोला था कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, सेल ऑन राइज करना था, तो आपने किया कि नहीं किया, लेकिन आज तो लोगों ने किया है। ये देखो भाई, प्रॉफिट टेकिंग हुई है मैसिव रैली के बाद जो कि कल दिखी थी 8.5% की, और जिसकी वजह से आज निफ्टी ने 8800 का लेवल भी तोड़ दिया है। और भाई सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में दिखा, सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखा रियलिटी में, आईटी में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में और बैंकेक्स में। और हेल्थ केयर का तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, आजकल मेडिसिन की डिमांड तो रहेगी ही, तो उसमें बाइंग देखने को मिली हमें। तो भाई आज के सारे इंडाइसेस ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, कुछ 1-2% ऊपर नीचे थे। निफ्टी -0.5%, निफ्टी मिड कैप 100 1% अप, और ऐसे ही ऑलमोस्ट सबके सब फ्लैट रहे। और इवन ग्लोबल इंडाइसेस भी अगर आप देखें दोस्तों, तो ग्लोबल इंडाइसेस भी सारे के सारे फ्लैट हैं, कुछ 0.5 ऊपर हैं और कुछ 0.5 नीचे हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे। भाई अपना डाउ जोन्स भी फ्लैट ही था। तो अब सवाल आता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया कि भाई अभी हमें बाइंग तो करनी नहीं है, क्योंकि भाई कल बहुत तगड़ी रैली दिखी थी जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स 10% महंगे हो गए हैं। तो अभी बाइंग करने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता। तो हमें करना क्या चाहिए, एक तो हमें भाई वेट करना चाहिए, वेट तो करना ही है हमें। दूसरा हमें क्या करना है दोस्तों, दूसरा हमें करना है इंट्राडे, जैसा कि किया मिस्टर विवेक ने। भाई इन्होंने बनाए 2% प्रॉफिट आज एचयूएल में इंट्राडे करके। और इन्होंने ये कैसे किया, सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों, वी वैप की स्ट्रेटजी से रोज पैसा बन रहा है आजकल दोस्तों, क्योंकि भाई मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो भाई धड़ाधड़ पैसा बन रहा है। और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वी वैप यूज़ करना है दोस्तों। और अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप भाई इंट्राडे में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो अभी देख सकते हैं, और भाई कल से ही शुरू हो सकते हैं, और कल से ही पैसा बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और वीवेप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो मैंने एक Q&A की वीडियो में सारे क्लियर कर दिए थे दोस्तों। तो आई होप अब कोई डाउट नहीं रहा होगा और आप धड़ाधड़ पैसा बना रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों मैंने भी आज 5% कमाए थे शुरू के 1 घंटे में, इसकी मैंने वीडियो डाली थी आज सुबह मार्केट आवर्स के टाइम पे। तो अगर आपने अभी तक तो वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि मैंने कब एंट्री ली और कब एग्जिट ली, और कौन से वो स्टॉक्स थे जिसमें मैंने इंट्राडे किया। तो भाई आपको वेट करना है मार्केट के गिरने का, और वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी, पूरी कैलकुलेशन करके इस बताया था कि आपको कब कितना पैसा लगाना है।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भाई वो बाय ऑन डिप्स याद रखना है आपको, और बाकी तो आपको रोज इंट्राडे में भाई खूब धड़ाधड़ पैसा बनाना है, सिर्फ वीवैप यूज करके रोज पैसा बनेगा दोस्तों। और दोस्तों जब बाइंग करने का सही टाइम आएगा तो भाई मैं ही आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और भाई बस वीडियोस का वेट करना है, जिसमें आपको डेली स्टॉक मार्केट की एनालिसिस मिलेगी कि भाई आज मार्केट में जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं ये भी पता चलेगा भाई, और इंट्राडे में किस किस स्टॉक में क्या क्या करना है ये सब बातें पता चलेंगी दोस्तों। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक भी कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है थोड़ा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।